students i welcome you all to today's session so i hope you all are doing good today's topic is towards a healthier life learning topics thermometer stethoscope microscope new machines discovery of medicines new developments in surgery prevention of disease pasteurization basic health care the lifespan of the human beings in modern times is much longer than it used to be before. New methods and techniques of treatment of diseases have reduced much of the pain and suffering caused by the diseases. They have made human beings healthier than they used to be before. Many deadly diseases have been brought under control. Many types of medicines, instruments and machines have been developed to help in fighting various diseases. We have also learnt ways of preventing many dreadful diseases, as prevention is always better than cure. Simple instruments that help in fighting diseases. तो आपका जो human beings का पहले का lifespan था, जितना वो पहले जीते थे, वो आज के comparison में काफी ज़्यादा पहले कम था, अब ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि अब अलग-अलग machines -अलग की वजह से अलग अलग टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से मेडिसिन की वजह से जितनी भी डिजीज़ेस हुआ करती थी ड्रेडफुल डिजीज़ेस उनसे प्रिवेंशन पाना हमारे लिए आसान हो चुका है थर्मोमीटर द इन्वेंशन ऑफ थर्मोमीटर बाई गेब्रियल डैनियल फैरन हाइट जर्मन फिजिसिस्ट इन सेवनटीन फिफ्टीन मेड इट पॉसिबल टू नो द एग्जैक्ट टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट This helps the doctor to treat the patient correctly. Wherever there is an infection in the body, the temperature increases. This is called fever. तो एक जर्मन फिजिसिस्ट जिनका नाम है गैब्रियल डैनियल डेनियल 1715 में इन्होंने थर्मोमीटर की डिस्कवरी करी थी जिसकी मदद से आप आपके बॉडी का टेम्परेचर पता लगा सकते हैं द स्केल ऑन द थर्मोमीटर शोज द डिग्रीज इन फेरनहाइट फ्रॉम नाइंटी फाइव डिग्रीज फेरन टू वन हंड्रेड एंड टेन डिग्रीज फेरनहाइट नाइनटी एट पॉइंट फोर डिग्रीज फेरन और थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी तो फेरन में आपकी 95 फाइव डिग्रीज फेरन से लेकर 110 हंड्रेड एंड टेन डिग्रीज फेरन तक की स्केलिंग होती है नाइनटी एट पॉइंट फोर डिग्रीज फेरनाइट यानी कि थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस अगर आपका टेम्परेचर है यानी कि आपका बॉडी बिल्कुल भी ठीक है द डॉटर्स थर्मोमीटर यूज मर्क्यूरी बिकॉज इट हैज अ हाई बॉयलिंग पॉइंट एंड अ लो फ्रीजिंग पॉइंट इफ अ पर्सन हैज फीवर द मर्क्यूरी राइज इज अबाव नाइन्टी एट पॉइंट फोर डिग्रीज फेरनहाइट जो करंट सिनारियो में डॉक्टर्स थर्मोमीटर यूज करते हैं उसमें मर्क्यूरी होता है क्योंकि उसका जो बॉयलिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी हाई होता है और फ्रीजिंग पॉइंट काफी लो होता है जिसकी मदद से अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है फीवर आपको हो रखा है तो मर्क्यूरी नाइन्टी एट पॉइंट फोर डिग्रीज फेरनहाइट से ऊपर चला जाता है Stethoscope. The stethoscope is an instrument that makes it possible for a doctor to hear a person's heartbeats and breathing. How the stethoscope was developed is an interesting story. So, stethoscope is a development hai, ki doctor doctor's heartbeats and breathing ko sun sakte hai. One day, a doctor saw two children playing with a hollow log. When one child whispered a message at one end of the log, the other child could hear it at the other end. This gave the doctor an idea. He rolled his newspaper like a long tube and put it on his patient's chest. To his surprise, the heartbeat of the patient could be heard more clearly. A stethoscope of today is far more sensitive than a mere paper tube. Stethoscope helps the doctors to find out whether the heart and the lungs of a patient are functioning normally. तो डॉक्टर्स ने स्टेटोस्कोप का जो पूरा डेवलपमेंट है वो इस तरीके से हुआ था उन्होंने दो बच्चों को खेलते हुए देखा जो वुड के एक लॉग से एक बंदा बोल रहा था और दूसरा सुन रहा था तो इसको देखते हुए उन्होंने स्टेटोस्कोप को इन्वेंट करा जो प्रेजेंट डे का स्टेटोस्कोप है वो काफ़ी ज़्यादा मोर एडवांस्ड है और आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली बता पाता है कि आपके लंग्स और हार्ट बीट्स प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहे हैं या नहीं माइक्रोस्कोप अस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मैग्निफाइज स्मॉल ऑब्जेक्ट्स एंड मेक्स इट पॉसिबल फॉर डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट टू सी थ्रू द माइन्यूट जर्म्स दैट आर नॉट नॉर्मली विजिबल टू आर नेकेटाइज तो माइक्रोस्कोप के थ्रू डॉक्टर्स और साइंटिस्ट वो छोटे छोटे पार्टिकल्स या जर्म्स भी देख सकते हैं जो आप अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते

थ्रू दीज ग्लासेस एंड टू हिस सरप्राइज इट लुक एज अ बिग एज अ लैब तो माइक्रोस्कोप इस तरीके से इन्वेंट हुआ था कि एक होलैंड में एक जगह थी जो स्पेक्टिकल्स की शॉप ओनर थे उन्होंने दो लेंसेज को आगे पीछे रखा जो अलग अलग टाइप के लेंसेज थे तो जो साइंटिस्ट थे या फिर जो पासर बायज थे उन्होंने देखा तो उनको पता चला कि दो लेंसेज को ऐसे रखने से जो चीज है वो काफी ज्यादा बड़ी दिखना शुरू हो जाती है तो इससे उनको आइडिया लगा कि किस तरीके से माइक्रोस्कोप का डिवेलपमेंट हो सकता है Galileo, a famous Italian scientist of that time, remarked that it was a big invention. He too made a device with the help of two lenses and called it microscope. फ्लाई मैग्निस्ट है किस तरीके से वो माइक्रोस्कोप को डिवेलप या इन्वेंट कर सकते हैं उन्होंने भी दो लेंसेज का इस्तेमाल किया और वो ना केवल उस लेंस या माइक्रोस्कोप से एक फ्लाई को देख पा रहे थे बल्कि ये भी देख पा रहे थे कि एक फ्लाई में नेल्स भी होते हैं और हेयर है भी होते हैं

आज की डेट में आपके जो माइक्रोस्कोप्स हैं वो यूरिन ब्लड स्टूल जैसी चीज़ों को भी देखने के लिए या डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करे जाते हैं न्यू मशीन्स मेनी साइंटिस्ट डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स आर वर्किंग हार्ड टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट कॉज ऑफ वेरियस डिजीजेज बाई डिवेलपिंग न्यू एंड बेटर मशीन्स तो और ज्यादा नई नई मशीन्स का डिवेलपमेंट हो रहा है ताकि बीमारियों को और क्लोजली और माइन्यूटली देखा जा सके X-ray machine. दिस मशीन हेल्प द डॉक्टर्स टू लोकेट फ्रैक्चर्स एंड क्रैक्स और एनी अदर प्रॉब्लम इन द बोन्स ऑफ आवर बॉडी तो आपकी अगर कोई हड्डी टूट गई है किसी भी पार्ट की तो एक्सरे मशीन से वो पता चल सकती है लेजर द लेजर इज अ न्यू टेक्नोलॉजी विद्प ऑफ लेजर रेज डॉक्टर्स आर एबल टू ट्रीट पेशेंट्स विदाउट सर्जरी और कटिंग ओपन द अफेक्टेड पार्ट तो लेजर आपकी नई टेक्नोलॉजी है जो की आपका जितना भी अफेक्टेड पार्ट होता है बिना उसको खोले हुए लेजर की रेज की मदद से उस पार्ट को ठीक करा जा सकता है अल्ट्रासाउंड एंड कैट स्कैन मशीन्स दीज मशीन्स हेल्प डॉक्टर्स टू सी द कंडीशन ऑफ वेरी कॉम्प्लेक्स पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी लाइक द ब्रेन लिवर किडनी इंटेस्टाइंस एटसेट्रा एंड टू एग्जैक्टली पिन पॉइंट द डिजीज टू प्रोवाइड हेल्प इन सर्जरी तो आपके जो अल्ट्रासाउंड या कैट स्कैन मशीन्स होती हैं वो डॉक्टर्स को हेल्प करती हैं आपके इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं जैसे कि आपका लिवर हो गया किडनी हो गया इंटेस्टाइंस हो गया उनको ऑब्जर्व करने के लिए और पिन पॉइंट बताने के लिए कि बिल्कुल टू बी वेरी प्रोसाइज क्या चीज है जो दिक्कत कर रही है ECG एंड ई जी मशीन दीज मशीन्स हेल्प द डॉक्टर्स टू सी द कंडीशन ऑफ द हार्ट एंड द ब्रेन तो ईसीजी और ई जी मशीन्स आपके जो हार्ट और ब्रेन होता है उनको स्टडी करने के लिए बनाई गई हैं। डिस्कवरी ऑफ medicines, इन अर्लियर टाइम्स पीपल did नॉट नो द causes ऑफ वेरियस डिजीजेस Since they were superstitious, they used to think that the diseases were caused due to the anger of gods or nature. बट एज आर नॉलेज अबाउट आर बॉडी एंड इट्स फंक्शन डिवेलप्ड सुपरस्टिश्डेव वे टू मेडिसो पहले के लोगों को लगता था कि भगवान के क्रोध या फिर नेचर के गुस्से की वजह से डिजीजे होती है क्योंकि लोग बहुत ज्यादा अंधविश्वास में भरोसा रखते थे लेकिन विथ टाइम जैसे जैसे लोगों ने पढ़ाई करना शुरू करा चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू करा रिसर्च स्टार्ट हुई तो लोगों ने अलग अलग टाइप की मेडिसिन का डिवेलपमेंट करा मेनी इफेक्टिव मेडिसिन डिस्कवर्ड लाइक मेडिसिन डिस्कवर्ड बाय व्हाट दे आर यूज्ड फॉर तो यहाँ पे आपको मेडिसिन दी गई हैं बीच में आपको उनको डिस्कवर किया है और वो किस चीज को क्योर करने के लिए इस्तेमाल करी जाती हैं सबसे पहला है क्यूनाइन जिसविट मिशनरीज ऑफ पेरू मलेरिया तो क्यूनाइन आपका जो मलेरिया है उसको क्योर करने के लिए यूज करा जाता है फिर आता है आपका पेनेसिलीन जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया है और चेस्ट इन्फेक्शन के लिए इनको यूज करा जाता है फिर आता है क्लोरोफोम डॉक्टर जेम्स सिम्सन ने करा है मेक्स पीपल अनकॉन्शियस अनकॉन्शियस करने के लिए लोगों को इस्तेमाल करा जाता है रिलीव पेन ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑपरेशन के टाइम में आपको दर्द का महसूस ना हो उसके लिए ये चीजें डाली जाती हैं आपकी बॉडी न्यू डेवेलपमेंट इन सर्जरी इन इंडिया सर्जरी वॉज प्रैक्टिस्ड इवन इन दर्ड सेंचुरी टू ग्रेट डॉक्टर्स सुश्रुता एंड चराका इवन रोट बुक्स डिस्क्राइबिंग वेरियस ऑपरेशन Today damaged parts of the body like kidney or even heart can be removed by operation and replaced by a healthy one. डेलीकेट ऑपरेशन ऑफ द ब्रेनो बीन कैरीड आउट दीज डेज तो सर्जरी में इतनी ज्यादा डिवेलपमेंट हो चुकी हैं कि प्रेजेंट डे में अगर आपके हार्ट में किडनी में लिवर में यहां तक कि ब्रेन जैसे ऑर्गन में भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आपके हार्ट को या लिवर को किडनी को ट्रांसप्लांट करके हेल्दी वाला लगा दिया जाता है और ब्रेन जैसे सॉफ्ट और डेलीकेट पार्ट का भी ऑपरेशन अब आजकल किया जाने लगा है प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस टुडे मिलियंस ऑफ लाइफ आर सेव्ड फ्रॉम डिजीजेज बाय टेकिंग प्रिवेंटिव मेजर्स इम्यूनोलॉजी इज सिस्टम ऑफ मेकिंग द बॉडी इम्यून टू पर्टिकुलर डिजीजेज थ्रू वैक्सीनेशन द फर्स्ट वैक्सीन टू बी डेवलप्ड वॉज द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन तो आजकल अलग अलग, अलग डिजीज की बहुत सारी वैक्सीन्स आती हैं जो अगर आपको इंजेक्ट करवा दी जाएं तो आपकी बॉडी इम्यून हो जाती है और अगर आपको वो बैक्टीरिया इन्फेक्ट भी करता है तो आपकी बॉडी पर उसका असर नहीं होगा knowledge corner in 1742 the celsius scale was invented by swedish astronomer andres celsius so, 1742 mapka celsius scale discovered joki swedish astronomer jinka naam hai andres celsius discovered smallpox vaccination nearly 200 years ago smallpox was a dreaded infectious disease affecting mostly the children those who survived its attack often lost their eyesight and had ugly scars on their faces तो करीबन 200 साल पहले स्मॉल पॉक्स जो था वो बच्चों को अफेक्ट करता था कुछ लोग मर जाते थे और जो जिंदा रह जाते थे वो या तो अपनी आईसाइट साइड खो देते थे या फिर उनके चेहरे पे अलग अलग किस्म के स्कार्स आ जाते थे एडवर्ड जेनर अ डॉक्टर इन अ स्मॉल टाउन इन इंग्लैंड फाउंड इट वेरी स्ट्रेंज दैट मिल्क मेड जनरली डिड नॉट सफर फ्रॉम स्मॉल पॉक्स रादर दे सफर फ्रॉम अ डिजीज कॉल्ड

one day a milkmaid named sarah came to him for the treatment of cowpox a pus like liquid was oozing out of her sores he collected it on a small needle and inserted into the body of a boy named phip he kept the boy under observation phip suffered from cowpox and recovered from it in टुडे नाउ जनर वांटेड टू कंफर्म इफ फिप कुड बी फ्री फ्रॉम स्मॉल पॉक्स ऑल हिज लाइफ तो एक दिन सारा नाम की मिल्क मेड इनके पास आई अपने काउ पॉक्स का इलाज करवाने के लिए जो पस इनके सार से निकला वही पस उन्होंने फिप के अंदर इंजेक्ट कर दिया कुछ दिनों में उनको काउ पॉक्स हो गया और वो रिकवर कर गए अब वो ये देखना चाहते थे क्या फिप इस पूरी बीमारी से जिंदगी भर बचा रहेगा या नहीं After a lot of hesitation, he decided to take the risk and injected FIP with the germs of smallpox and observed him. To his great joy and relief, FIP did not catch smallpox. It confirmed that people who once suffered from cowpox became free from smallpox. This led to the development of the anti smallpox. वैक्सीन तो कुछ टाइम के बाद बड़ी हिम्मत करके उन्होंने फिप के अंदर स्मॉल पॉक्स का जितना भी बैक्टीरिया था उसको इंजेक्ट कर दिया एंड टू हिस सरप्राइज उनको कुछ भी नहीं हुआ तो उनको ये पता चला कि जिसको काउ पॉक्स हो जाएगा और वो रिकवर कर जाएगा उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हो सकता है और इस तरीके से स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन डिवेल्प स्मॉल पॉक्स हैज नाउ बीन कम्प्लीटली इराडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड अब

Injections and vaccinations have helped to make our lives healthier. Any injections or vaccinations ki wajah se hamari jo life hai, wo kafi healthier ho Pasteurization. Louis Pasteur, a French scientist, formulated the theory that germs cause diseases. He discovered that germs could be killed at a high temperature. Most of the germs enter human body through air, water and milk. He found that boiling milk and water killed the germs. प्रोसेस ऑफ किलिंग जर्मस बाईटिंग टू सर्टन टेम्परेचर पैस्टर जो किस्ट है उनको पता चला कि डिजीजेस जर्म्स की वजह से होते हैं और किसी भी चीज को एक सर्टन टेम्परेचर तक हीटअप करने के बाद वो जर्म्स मर जाते हैं तो so, मिल्क को जब किसी भी एक सर्टन टेम्परेचर तक राइज करवा कर, कर हीटअप करा जाता है जिससे कि जर्म्स मर जाते हैं इसके प्रोसेस को बोला जाता है प्रेस्टराइजेशन

Some simple and cheap ways of preventing diseases are number one, cleanliness. To keep diseases away, we must take care of our personal cleanliness and keep our surroundings clean. Number two, nutritious food. We must eat fresh, clean, and nutritious food and drink clean, germ free water. Number three, exercise. Regular physical exercise is important to build up the resistance against diseases. Number four, इनाक्यूलेशन प्रोग्राम्स वी मस्ट टेक एडवांटेज ऑफ दीज प्रोग्राम्स टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ एपिड नंबर फाइव प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स डिस्पेंसरीज एंड हेल्थ सेंटर्स एग्जिस्ट टू टेक केयर ऑफ आर हेल्थ तो अलग अलग टाइप की प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं जो आप पर्सनल लेवल पर कर सकते हैं जैसे कि अपने आसपास का एरिया साफ सुथरा रखें न्यूट्रिश फूड खाएं एक्सरसाइज डेली करें जिससे कि आपका रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाए जितने भी इनाक्यूलेशन प्रोग्राम होते हैं उनको विजिट करें और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में रेगुलरली जा जाकर अपना चेकअप करवाते रहें। नॉलेज कॉर्नर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू एच ओ हेज ग्रेटली हेल्प इन इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ थ्रू इट्स वेरियस प्रोग्राम्स स्पेशली इन द डिवेलपिंग कंट्री डब्ल्यू एच ओ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वो अलग अलग डेवलपिंग कंट्रीज में अपनी मेजर्स को प्रोवाइड करती है जिससे कि वहां के लोग अलग अलग डिजीजेस से बच पाए Now, I know new methods and techniques of treatment have reduced the pain and suffering caused by diseases. Instruments like microscope, x ray machines, etc., help the doctor to treat the patient correctly. The stethoscope is used by a doctor to hear a person's heartbeats and breathing. A doctor uses a thermometer to check the temperature of the patient. With the help of laser rays, doctors can treat patients without surgery or cutting open the affected parts. Many fatal diseases like tuberculosis, malaria, cholera, etc., have become cured.

मशीन्स, ईसीजी मशीन्स, आपकी अलग अलग माइक्रोस्कोप्स की मदद से डॉक्टर्स आज बहुत ही एक्यूरेटली आपकी डिजीजेस को क्योर भी कर पा रहे हैं और डिटेक्ट भी कर पा रहे हैं तो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम द एंड ऑफ दिस चैप्टर, इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं, वो आपको खुद से करनी है